आजकल के दौर में सभी छोटे बड़े व्यक्ति, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, सभी स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं। हर उस स्मार्टफोन पे गूगल अकाउंट का होना एक आम बात है। ऐसे में हमारा कंप्लीट डेटा गूगल के पास चला जाता है। कभी आपने सोचा है कि व्यक्ति के मरने के बाद गूगल अकाउंट और एप्पल के अकाउंट पर सेव हुए डेटा का क्या होगा? तो चलिए आज हम बताएंगे आपको ये अमेजिंग फैक्ट के बारे में और समझेंगे कि गूगल अकाउंट आपके डेटा को क्या करता है। दरअसल जब कोई व्यक्ति अधिकतम 18 से 20 महीने तक अपने गूगल या एप्पल अकाउंट का उपयोग नहीं करता तो आमतौर पर गूगल उस व्यक्ति के सारे डेटा डिलीट कर देता है। ऐसा इसलिए होता है जब लंबे समय तक कोई भी गतिविधियाँ आपके गूगल अकाउंट पर दिखाई नहीं देता। कोई भी व्यक्ति मरने के पहले गूगल अकाउंट को अपने भरोसेमंद या किसी रिलेशंस के व्यक्ति को सौंप सकता है। गूगल अकाउंट मैनेज करने के लिए आप अपने myaccount.google.com/inactive पर जाकर मैनेज कर सकते हैं। गूगल यूजर को कुछ डेटा उपयोग करने तथा उसे डाउनलोड करने की फैसिलिटी देता है। किसी व्यक्ति के मरने के बाद उस व्यक्ति के अकाउंट में गतिविधियाँ दिखाई नहीं देती तो सारा डेटा गूगल जो है डिलीट कर देता है। दोस्तों आप भी अपने गूगल अकाउंट मैनेज कर लें ताकि कोई परेशानी ना हो। लेकिन आप ऐसे व्यक्ति को ही आपका डेटा या गूगल अकाउंट का एक्सेस दें जो आपके भरोसे लायक है, जो आपके संबंधित हैं। आई होप दोस्तों यह जानकारी आपको पसंद होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए।